हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। आज है हमारा पोस्टर मेकिंग का डे 11। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फोटोशॉप में अपना कैनवास ओपन कर लें। मैंने अपना कैनवास ओपन करके रखा हुआ है। साइज मैंने रखा है 750 और 1000, 750 विड्थ और 1000 हाइट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना साइज सिलेक्ट कर लें और कैनवास ओपन कर लें। फिर हम इसमें अपना फोटो लेकर आएंगे, फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसके पीछे अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे। उसके लिए हम ये बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर स्टाइल में चले जाएंगे और सॉलिड कलर पर क्लिक कर लेंगे। इसका कलर हम रखेंगे थोड़ा डार्क ग्रे। ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इस कार वाली लेयर को रास्टराइज कर लेंगे, लिंक को ब्रेक कर लेंगे। इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसके पीछे एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सॉलिड कलर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट होल्ड कर लेंगे और इस तरह से एक एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे और इसका कलर हम कार में से ही ले लेंगे। फिर ऑप्शन में चले जाएंगे, जो हमारा इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। फिर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। फिर हम इस चार पांच कलर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा कलर पिकर पैनल ओपन हो जाएगा। अपना कर्सर हम कलर पिकर पैनल से बाहर लेकर आएंगे तो हमारा कलर पिकर टूल इनेबल हो जाएगा। फिर हम इस कार में से ही एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको थोड़ा लाइट कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कलर है वो फिल हो जाएगा। फिर हम इस एलिप्स के पीछे जो हमने सर्कल बनाया है इसके पीछे एक ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। उसके लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, एलिप्स वाली लेयर को, और लेयर स्टाइल ऑप्शन में चले जाएंगे और ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा इस तरह का ड्रॉप शेडो का पैनल ओपन हो जाएगा। ओपेसिटी हम फुल कर लेंगे और साइज हम थोड़ा कम कर लेंगे, 9 या फिर 10 कर लेंगे और डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और एंगल हम 39 या 40 कर लेंगे और डिस्टेंस थोड़ा कम कर लेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इसको। ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हम इसके पीछे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे, शॉर्टकट है यू, कीवर्ड से यू प्रेस करोगे तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम जूम आउट कर लेंगे, ऑल्ट और माउस के स्क्रॉल बटन को पीछे की ओर ड्रैग करके फिर हम इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसके कॉर्नर्स को 0 कर लेंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे और इसमें आपका ये चैन वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑफ होगा तो इसमें अगर आप 0 टाइप करोगे तो एक ही साइड का कॉर्नर 0 होगा, अगर ऑन होगा तो एक साइड 0 टाइप करोगे तो सभी और 0 हो जाएगा कॉर्नर्स। इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इस तरह से रोटेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से प्लेस कर लेंगे। फिर हम इस लेयर को नीचे लेकर आ जाएंगे, एलिप्स के नीचे रख लेंगे और इसमें भी हम यही वाला येलो कलर सेलेक्ट, येलो कलर फिल कर लेंगे। फिर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट बना के इसके नीचे ऐसे
एडजस्ट कर लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए ऑल्ट होल्ड करेंगे, माउस के कर्सर को रेक्टेंगल के ऊपर लेकर जाएंगे और ड्रैग कर नीचे प्लेस कर लेंगे। ये कार और एलिप्स मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है, मैं इसको छोटा कर लूंगा 21। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। उसके लिए हम टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे, अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे और उसका कलर व्हाइट कर लेंगे। फिर हम इसके नीचे एक सेकंड टेक्स्ट ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो इसमें। फिर हम यहाँ पर अपना लोगो प्लेस करेंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, उसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसके नीचे एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, उस तरह से अपना लोगो और उसके नीचे अपनी टैग लाइन ऐड कर लेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी टैग लाइन ऐड कर लें। फिर हम यहां पर कॉन्टैक्ट और कॉल टू एक्शन का बटन ऐड करेंगे। पहले हम कॉल टू एक्शन का बटन ऐड करेंगे, उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज पैनल दिखाई ना दे, विंडो में चले जाएं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर लें तो हमारा प्रॉपर्टीज पैनल इनेबल हो जाएगा। और फिल में हम येलो कलर रख लेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे। फिर हम इसमें बुक नाउ का टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। इसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड रखेंगे, टिक आइकन पर क्लिक कर लेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, और टेक्स्ट को रेक्टेंगल पर सेंटर लाइन कर लेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। फिर हम इसके नीचे कॉन्टैक्ट और वेबसाइट का डिटेल ऐड करेंगे, उसके लिए हम फोन का आइकन लेकर आएंगे, उसके लिए फाइल में जाएंगे और प्लेस लिंक पर क्लिक कर लेंगे, अपना फोन का आइकन सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इसको जूम इन कर लेंगे ऑल्ट और माउस का स्क्रॉल बटन को आगे की ओर ड्रैग कर और साइज थोड़ा और छोटा कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम इस आइकन की लेयर को रास्टराइज कर लेंगे, राइट क्लिक और रास्टराइज लेयर पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, उसके लिए हम लेयर स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे और कलर ओवरले पर क्लिक कर लेंगे और इसका कलर व्हाइट रख लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम इसी बुक नाउ को कॉपी कर लेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और इसको पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएंगे और इसमें हम फोन नंबर ऐड कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर हम इन दोनों को सेंटर लाइन कर लेंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन, उसके लिए फोन वाली आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल की हेल्प से और वर्टिकल सेंटर लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो ये टेक्स्ट है फोन के साथ आइकन के साथ वर्टिकल सेंटर लाइन हो जाएगा। फिर हम नीचे वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, उसके लिए हम वेबसाइट का आइकन लेकर आएंगे, फाइल में जाएंगे, प्लेस लिंक ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, अपना आइकन सेलेक्ट करेंगे, प्लेस पर क्लिक कर लेंगे, जूम आउट कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, जूम इन करेंगे, इसको इस तरह से प्लेस कर लेंगे,
यहाँ पर गाइड लगा लेंगे। कंट्रोल डी करेंगे, साइज थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, पकड़ कर नीचे लेकर आ जाएंगे। इसका कलर भी व्हाइट कर लेंगे। पहले हम इसको रास्टराइज करेंगे, इस लेयर को राइट क्लिक और रास्टराइज लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर स्टाइल ऑप्शन में चले जाएंगे और कलर ओवरले पर क्लिक कर लेंगे। अपना कलर सिलेक्ट करेंगे, कलर हम व्हाइट रखेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। इसी टेक्स्ट लेयर को हम कॉपी बना लेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे और पकड़कर नीचे लेकर आ जाएंगे। इसका कलर, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। टिक आइकन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसको भी हम वर्टिकल सेंटर लाइन कर लेंगे वेबसाइट के आइकन के साथ। कंट्रोल होल्ड करेंगे, वेबसाइट वाले आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और वर्टिकल सेंटर लाइन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम दोनों टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर लेंगे, दोनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर लेंगे और पूरे जो बुक नाउ वाला कॉल टू एक्शन बटन है और हमारा जो नंबर लिखा है, वेबसाइट का लिंक डाला है, इन तीनों, इन सभी को एक ग्रुप में डालेंगे। उसके लिए हम पहले टॉप वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे और फिर ये नीचे वाली रेक्टेंगल लेयर को शिफ्ट ई की हेल्प से सिलेक्ट कर लेंगे। इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक कर ग्रुप बना लेंगे, जहाँ पे कंट्रोल जी शॉर्टकट है ग्रुप बनाने का। कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा। इसको पकड़कर हम ऐसे नीचे लेकर आ जाएंगे और कार को भी मैं थोड़ा नीचे लेकर आ जाऊंगा। कार और एलिप्स को दोनों को इसमें लेयर रखेंगे। लेयर सिलेक्ट करना हो तो लेयर रखें, ग्रुप सिलेक्ट करना हो तो ग्रुप, और ऑटो सिलेक्ट रखें मूव टूल की सेटिंग में। और कार इसमें छोटी लग रही है, इसीलिए हम इसको थोड़ी बड़ी कर लेंगे। उसके लिए हम कार वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। हमारा पोस्टर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोस्टर के साथ। आज था हमारा पोस्टर मेकिंग का डे 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।